और एक आवा भाई तो ऐसा बात तीन पिट्टी तक है नहीं उनके, तीन पिट्टी तक सिर्फ टिक्का लावे गौ माता की दाह लुटन निकल दी। छह भाई मार दिए मारे किसी भी धर्म के थे, छह भाई मरे कि नहीं मरे? ऐ धर्म के ठेकेदार पूछ के देखो उस बात है जिसका लड़का गुजरा धर्म के नारों से, पूछ के देखो उसके पिता के ऊपर क्या गुजरी होगी जो आपकी गंदी राजनीति का शिकार हुआ। अगर 2024 में यही लोग धर्म का मैदान फैदा उठा करके सत्ता के अंदर आए तो याद रखना संविधान नहीं रहेगा। और देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना दिया गया है जैसे देश ही पैदा 22 जनवरी को हुआ, जैसी देश की आजादी 22 जनवरी को मिली, जैसी देश का निर्माण 22 जनवरी को हुआ। 6 करोड़ रुपया अगर यह आदमी नहीं दिलवा सकता राज में इसका हिस्सा क्या है फिर? क्या खतर बैठा है भाई? सिर्फ रुपये लुटन खतर बैठा है के? तब तेरी हैसियत नहीं दूसरे चुकंदा। समझा ने पूछ ले कादा ने की क्या ने भाई ठीक ठाक से आवा तो का मोती उसकी बेबे का दे रहा था मोती आओगा क्या देना का होगा? तो 9 साल हो गए लूट के खा गया सारे देश में। ये आपको भ्रम डालने के लिए बातें करी जाती है, ये आपको एक प्रचार है, ये एक नैरेटिव सेट किया जाता है ताकि पूरी जनता ये कहे यही दिखेंगे और फिर मशीनां रोल करके ढक ले। उस समय अगर किसी दलित को कोई वेद का एक अक्षर भी सुनाई दे जाता दिया जाता था तो उसके कान के अंदर कांच पिघला के डाल दिया जाता था कांच। और ये भी याद रखे मनोहर लाल राष्ट्रवाद का बड़ा मुद्दा खड़ा करके सारा चुनाव जीत गए। अब भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ 8 तारीख एक दिन बाकी है आपके लिए, एक दिन बाकी है आपके लिए कल का। साथियों आज हमारा भारतीय किसान मजदूर यूनियन का नंबर था संयुक्त मोर्चे के आंदोलन के तहत। आंदोलन क्या है? 2022 के अंदर 72 गांवों का बीमा क्लेम हिसाब चला के किसानों का रोक लिया गया और खेड़ी तहसील के अंदर जो धरना चला जो स्पेशल सहायता के रूप में 15,44,89,000 रुपए मंजूर हुए नॉन कंडीशन हुए थे भाई, कोई बात नॉन कंडीशन मंजूर हुए थे, कोई शर्त नहीं थी। और जब बांटने की बात आई तो बांटने पर शर्त लाने शुरू कर दी, वो भी हमारी मांग। जहां दो मांगों के लिए आज अपनी ड्यूटी देने आए हुए हैं वही प्रशासन को एक बात चेताने आए हुए, लिख ले आप 18-19 संगठन है अलग अलग ड्यूटियां हम निभाते हैं, किसी दिन 100 होते हैं, किसी दिन 150 होते हैं, किसी दिन 500-400 होते हैं। और जब अकेले कट्ठे होंगे नहीं उस दिन हमारी संख्या कितनी होगी 10,000 से नीचे होनी होगी, याद रखे प्रशासन। और जिस दिन हमने एक बात याद रखो हम 4 तारीख को प्रदर्शन करने आए थे और डीसी साहब को चेता करके गए थे, हमारे साथी पगड़ी सवाल दत्ता के साथियों ने घोषणा कर रखी थी कि 26 जनवरी को पक्का धरना लगाएंगे और हमने डीसी से कहा था डीसी साहब 26 जनवरी ने पहला मुआवजा देते वरना हिसार का चुकर दे ट्रैक्टर नजर आवेंगे, आए कि नहीं आए? अब भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूं 8 तारीख एक दिन बाकी है आपके लिए, एक दिन बाकी है आपके लिए कल का, या तो कल तक मुआवजा दे दे नहीं शहर में इतने किसान आ जाने तेरा बस की बात नहीं मारा संभालना। पहली बात तो ये, दूसरी बात भाई हमने एक आज आपने देखा होगा संविधान की शपथ ली क्यों ली उसके ऊपर में मैं बोलना चाहूंगा भाई। और जी टीवी वाले भाई वो तो सहता था सुभाष चंद्रा का फिर थोड़ा मेरी मान ले बिरोड़ा ना खड़ो राम राम थोड़ी रुको थोड़ा मेरा बोलिया कौन जावा बीच में।
जैसे देश ही पैदा 22 जनवरी को हुआ, जैसी देश की आजादी 22 जनवरी को मिली, जैसे देश का निर्माण 22 जनवरी को हुआ। क्यों किया? क्योंकि देश को मूर्ख बढ़ा करके धर्म के नाम पर वोट लेना चाहते। 2014 के अंदर जो वादे इन्होंने किए थे याद करिए, कहा था स्वामीनाथ नायक की रिपोर्ट लागू करेंगे, कहा था 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, कहा था कि इस देश की जीडीपी इतनी तेज गति से दौड़ेगी कि दुनिया के अंदर सिरमौर होंगे, कहा था कि इस देश की सीमाओं की तरफ को देख नहीं पाएगा। और हालात क्या हुई? जो रोजगार कर रहे थे बैठे बेरोजगार बना दिए, सेना का बुरा गति कर दी, अग्निवीर लागू कर दी, किसान दफ्तर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। स्वामीनाथन आय की रिपोर्ट क्या, हमारी जमीन को ही छीनने लग गए। और एक आना भाई, आज भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बढ़कर के बड़ी बेशर्मी से कहता है कि हमने ये नहीं पता चला कि इन कानूनों में काला क्या था। हमने पहले दिन बता दिया था, मोदी की नीयत काली, मोदी की सोच काली, क्योंकि सर छोटू राम ने जिस मंडी को हमारे को दिया एपीएमसी एक्ट के तहत, वो हमारे को तोल और मोल की गारंटी देती है, तोल और मोल दोनों। किसान को अगर सही मोल मिल जाए, किसान को अगर पूरा तोल मिल जाए, हमने किसी की आंट नहीं होती, हमारी मंडी को ही खत्म करने लग गए। और क्या केट होगा बैठो, यानी सारे के सारे मुद्दे बुलाने के लिए उस समय इन मुद्दों को बढ़ाने के लिए 2019 के इलेक्शन के अंदर पुलवामा जैसा कांड होने दिया गया और देश की भावना के साथ खेलने के लिए राष्ट्रवाद का बड़ा मुद्दा खड़ा करके सारा चुनाव जीत गई। और आज तक पुलवामा की जांच नहीं करवाई किसी ने। सत्यपाल मलिक जो गवर्नर होता था उस समय, ये उनके शब्द है मेरे नहीं है, कि पुलवामा होने दिया गया, बहुत बड़ी बात है, हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए। और कहता देश की सीमाओं के ऊपर कोई नजर नहीं उठा पाओगा, चीन कई 1000 किलोमीटर एरिया है उसके पास है, इस कप्तार का आया पास है, कई 1000 किलोमीटर चीन की सीमा चाइना हमारी सीमा में घुस चुका है। ये तो रहा 14 का, और फिर 19 में के कहा था 100 स्मार्ट सिटी बढ़ाऊंगा, कड़िया बड़ी हो तो भारत में बताइयो, हम भी देख आऊंगा स्मार्ट सिटी कड़े हो। बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, हमारी पलड़ी ये खोई दी, किसान की आय दुगुनी करूंगा, आत्महत्या दुगुनी कर दी। इस देश को मूर्ख बनाने के लिए वोट लेने के लिए धर्म का सहारा लिया जा रहा है, धर्म का सहारा सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि 19 के अंदर किए गए वादों को कोई दोहराए ना, 2014 के अंदर जो इन्होंने वादे करे कोई वो पूछे ना, इसलिए धर्म का सहारा लिया जा रहा है। एक बात बताओ भाई, सारे भाई बैठे हैं, नू के अंदर घटना हुई, बहुत नारे लाए गए गोरक्षा के नाम से। मैंने जब ने पूछा सीआईडी वाले साथिया पे, भाई ये जोर से गौ रक्षा का नाम पर नारे लावे हैं, इनके घर में देख का यो गाय कितनी है, पाछड़ी भी नहीं पाई किसी का पाछड़ी भी। और एक आना भाई, तो ऐसा पास 3 पिटी तक है नहीं उनके, 3 पिटी तक सिर्फ टिक्का लावे गौ माता की जाह लुटन निकल जी। 6 भाई मार दिए हमारे, किसी भी धर्म के थे 6 भाई मरे कि नहीं मरे, ऐ धर्म के ठेकेदार पूछ के देखो उस बात है जिसका लड़का गुजरा धर्म के नारों से, पूछ के देखो उसके पिता के ऊपर क्या गुजरी होगी जो आपकी गंदी राजनीति का शिकार हुआ। और अब एक मुख्यमंत्री है असम का,
जनता है, शूद्रों को तो सिर्फ सेवा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री कहता है वहां संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बनया या मनुस्मृति की शपथ लेके बनया। अगर 2024 में यही लोग धर्म का मैदान खदा खा करके सत्ता के अंदर आए तो याद रखना संविधान नहीं रहेगा। साफ बता दिया एक मुख्यमंत्री ने, इस पर सुनना चाहते हो? मनुस्मृति लागू होगी और मनुस्मृति कौन है जिसके अंदर ना महिला को स्थान है, ना दलित को स्थान है, ना बैकवर्ड को स्थान है, और हमारे दशार्थी तो जेल में ठोक देंगे तो आपको लेनी है पूछनी नहीं पाओगा। मात्र 3% लोग शासन करेंगे, उनके पैर भी पकड़ने पड़ेंगे अपने, और शिक्षा का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। याद करो, जिस हिंदू राष्ट्र की ये बात करते हैं लोग, उस समय अगर किसी दलित को कोई वेद का एक अक्षर भी सुनाई दे जाता दिया जाता था तो उसके कान के अंदर कांच पिघला के डाल दिया जाता था। कांच वो है आपका, जिसको ये छोड़ने की चिड़िया बताते हैं ना, बोलने की आजादी नहीं थी किसी को, पढ़ने की आजादी नहीं थी किसी को। क्या आप ऐसा राष्ट्र चाहते हैं? हम नहीं चाहते वैसा राष्ट्र, हम वो राष्ट्र चाहते हैं जिसके अंदर सबको जीने का अधिकार हो, सबको बोलने की आजादी हो, सबको अपने बात रखने की आजादी हो, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आजादी हो। और कुछ भाई आ गए, बड़ा शक हो रहा अपना अड़े ही सारे आ रहे हैं मौजा मंगल। सांझा ने पूछ ले कादा ने कि क्या ने भाई ठीक ठाक से आओ तो कहा मोदी, उसकी बेबे का दे रहा था मोदी आओगा क्या ने लगा होगा। तो 9 साल हो गए लूट के खा गया सारे देश में, ये आपको भ्रम डालने के लिए बातें करी जाती है, यह आपको एक प्रचार है, यह एक नैरेटिव सेट किया जाता है ताकि पूरी जनता ये कहे यही जीतेंगे और फिर मशीनां रोल करके धर ले, फिर कहते पहले नहीं कह दी जनता जीतेगी। ये मूर्ख बनाने का काम है, आप लोगों को इसका समझना पड़ेगा। और भाई एक बात बताऊं, बड़े भाई ने कहे बड़े कड़ुए बोलने, मोदी आने से पहले इस देश के अंदर कई तरह के वर्ग अपनी अपनी विचारधाराएं चलती थी, कोई लेफ्टिस्ट था, कोई राइटिस्ट था, कोई बीच का था, अलग अलग पार्टियां भी चलाते थे, मगर मोदी ने दोए बनाए दिए, एक तो मोदी गला है और तो मोदी के खिलाफ पड़ा, बीच का छोटे रास्ता खत्म कर दिया था। आप हम मोदी के खिलाफ पड़े हम आका काला भी देखे को भाई हाथ खड़े करके बताइयो को खिलाफ पड़े का खड़े खिलाफ पड़े हो हाथ खड़े करते हो एक बार, नहीं तो रोल सकी भैया और पथलिया में रोल सकी मैं। एक बात बताऊ भाई, जे किसे के न्यू सको तो मोदी बड़ा अच्छा प्रधानमंत्री हमारे पीछे जो है जो बस इतना सा रोड़ा हाँ मैं घर आदि की जागे उसके गाने गा लियो। अरे एक भाई हूं नया नया पत्नी का सीरी बनाया इनका दुष्यंत चौटाला, सुन लो इसकी कहानी। खेड़ी आ रहा था भाई और हमारा जो खेड़ी तहसील का मुआवजे का आंदोलन था वो समझौता भी सिग्नल होगा, समझौता ये हुआ था 6,500 रुपए प्रति एकड़ सारी जमीन का, कोई शर्त नहीं, हर शर्त ला दी हमें उतने तो लड़न लग रहे। सरपंच साहब का खाना था और भाई जोर से भाई इसका खाना बजा रहे थे, जो अपने आदमी भी थे, मैं कहने लगा पूछ तो लिया अपने रुपये कड़े मिलेंगे। वो बोले मुख्यमंत्री जी मारे रुपये नहीं मिल रहे, बोले भाई खट्टर फाइल डाते बैठे यार मेरी कौन चलती, मैंने कई बार कह लिया मेरी कौन चलती,
तो भाई इस सरकार में फिर गुलामी क्यों स्वीकार कर रहा है? 6 करोड़ रुपया अगर ये आदमी नहीं दिलवा सकता राज में इसका हिस्सा के है फिर क्या खतर बैठा भाई? सिर्फ रुपये लुटन खतर बैठा के तब तेरी हैसियत नहीं दूसरे चुटाला क्या ना कोठी ले रहा है क्या ना ये बॉडी गार्ड डाल ले फिर सीधा जनता में आके कह दे मैंने फिर तो कोई बात अपने रुपये तो चूसन लग रहे हैं और किसानों की बात आवे मेरी नहीं चलती फिर तेरी चल है कद थी फिर चूतिया क्यों बढ़ा रहा लोगों ने ये इसे इसे लोग मूर्ख बनाते अपने को सावधान में रहने की जरूरत है। एक और बात बताऊंगा भाई मैं जो गांव में पाल लग रहा था एक भाई का फोन आया एक वीडियो थी क्योंकि संयुक्त मोर्चे का एक आदेश था मैं संयुक्त मोर्चे का कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर हूं और हरियाणा के ऊपर प्रभारी लगा रखे हैं 8 आदमी हैं उनमें मैं प्रभारी भी हूं। संयुक्त मोर्चे 2 तारीख की मीटिंग थी और मीटिंग के अंदर एक फैसला हुआ और मेरा आदेश भी मेरे को दिया गया कि आपने यह आदेश भी क्लियर करना है। मैंने आदेश क्लियर कर दिया तो एक फतेहबाद का भाई का पेट में दर्द होया मैंने फोन करा ना जी आपने ये नहीं बोलना था क्यों नहीं बोलना था भाई आप मोर्चे में हा हम संयुक्त मोर्चे में है संयुक्त मोर्चे में थे संयुक्त मोर्चे में रहेंगे भाई और 13 तारीख की काल जो कर रखी है ये संयुक्त मोर्चे की काल नहीं है ये मैं एक जिम्मेवार आदमी के तहत कह रहा हूं एनसीसी का मेंबर होने के नाते यह उस दिन कही दिया आज को 13 तारीख संयुक्त मोर्चे की काल नहीं है बाकी तो मर्जी है लोगों की कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। दूसरी एक फैसला उसमें यह भी हुआ था नरेश टिकट बीजेपी के वोट मांगे उसमें चिट्ठी लिखी जाएगी उस पर पूछा जाएगा तो बीजेपी का नहीं है तुम्हारा का नहीं है भाई ये 2 फैसले हुए थे क्या ये फैसले गलत थे भाई सही थे नहीं तो मोर्चा का लड़ा में भाई कोई भाई मारा बुरा मान लो भला मान लो हम संयुक्त मोर्चा का हिस्सा थे उसके हिस्सा है और उसका हिस्सा रहेंगे। अब दूसरी बात और भाई प्रशासन के साथी सुन लो मैं मीडिया के माध्यम से के पीसी सार को 7 शब्दों में कहना चाहूं भाई परीक्षा ना ले हमारी आपके पास 1 दिन का समय है चाहे तो रुपये डाल दे और नहीं तो भाई हालात वो होंगे जो आपके बस के नहीं बाद में के करा कर रही है व्यवस्था की स्थिति देखनी पड़ेगी जनता परेशान हो रही है और मैं 20 दिन पहला कह रखा भाई पीछे गेट के रोड रोका नहीं जनता कौन परेशान कर रहा भाई ये पीछे नहीं गेड़ा गया जनता प्रशासन परेशान कर रहा कामें कर रहा और ये भी याद रखे मनोहर लाल आंख रखा डी मैं रखा नहीं भाई मारा पल्ला बचाओ था कि नहीं बचाओ रोब नहीं होता है भाई आज कहते हैं गिरदौरी मैच नहीं कर रही जब 30,000 हेक्टेयर का किसान से आप पैसा काट रहे थे तब गिरदौरी का जा रही थी जब 30,000 हेक्टेयर का पैसा हरियाणा सरकार कंपनी को दे रही थी तब गिरदौरी का थी जब 30,000 हेक्टेयर का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आपके खाते में आ रहा था तब गिरदौरी कहा थी अब देन के टाइम गिरदौरी मैच नहीं कर रही तेरी अब मैं कोई लेना देना नहीं बता दे एक केक पीसा लावे सारे रुपये लावे और खेड़ी वाले रुपये भी तोले गेड़ दे तोले खाते में भेज दे 2 साल हो गया मैं नरमी तो बोलता मैं इतने नरम था कोई नहीं जितना नरमाई कर रही इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात के लिए माफी चाहूंगा एक प्रार्थना जरूर करना चाहूंगा मैं सारे भाई बैठे हैं बहुत अच्छी रागनी सुना होगा हमारा एक साथी रागनी सुननी है और फिर बडाला साहब छुट्टी कर सुई जाना है और जिसे कृष्ण जिन भाइयों की रात की रुकने की ड्यूटी लागी है कह संदीप कह आदमी रुकया भाई